Hi, I'm Kushal, Tandon, and you're watching Barsatein. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more information from Barsatein. Good evening, everyone, and thank you so much for coming. And a special thank you to my brother, Riyansh. आज मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आज रियांश नहीं होता, तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि मेरा सच्चा प्यार कौन है। देख राधे, वो उस चिपकली को प्रपोज करने वाला है। उसे वो रिंग पहनाएगा। मैं यहाँ। काम डाउन पूजा। मैं भी देखती हूँ ये विक्रम किस हद तक जा सकता है। करने दे उसे जो करना है। देखते हैं ना। लॉयर को इन्वॉल्व करेंगे फिर। देखेंगे इसको और इसकी गर्लफ्रेंड को। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे प्यार होगा और वो भी एक बार नहीं दो बार। आई गेस आई एम वेरी लकी। मैंने हमेशा से अपने दोस्तों को अपने आगे रखा। मैंने कभी भी अपने प्यार को इतना बड़ा गेस्चर नहीं किया जो मैं आज करने जा रहा हूँ। एक लड़की है जिसने मेरी लाइफ बदल दी, जिसने मेरे बिखरे हुए टूटे हुए हर्ट दिल में मोहब्बत की उम्मीद जगा दी। आई लव हर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरे साथ है। सो आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ माई लाइफ माई सेकेंड चांस ऑफ हैप्पीनेस, मेरा दूसरा प्यार और मेरा पहला प्यार भी, माय वाइफ पूजा। कभी कभी किसी रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाती है और वो रिश्ते में एक जगह बन जाती है और उस जगह में कोई और बस जाते हैं। शायद यही मेरी गलती है कि मैंने वो जगह छोड़ दी। लेकिन अगर आज रियांश नहीं होता तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि मेरा सच्चा प्यार कौन है। गेस वॉर अलीशा, तुम बहुत लकी हो। विक्रम तुमसे बहुत प्यार करता है और एक न्यू लाइफ चाहता। अपनी लाइफ में सब कुछ छोड़कर, अपना घर, अपना पैसा, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता। या आई एम फाइनली हैप्पी कि विक्रम पूरी तरीके से मेरा हो जाएगा, नो एक्स्ट्रा बैगेज। इसीलिए तो अपनी सारी प्रॉपर्टी पूजा के नाम कर रहा है, अपना फ्लैट, अपने पैसे और अभी एक छोटा सा वन बेडरूम चौल में देखा है तुम्हारे लिए। फ्लैट चौल में? यस, वो अपनी पुरानी लाइफ को चाहता नहीं, सब कुछ पीछे छोड़ना चाहता। और तुम तो उसे सच्चा प्यार करती हो ना? हाँ, बट मैं चौल में नहीं रह सकती। आई मीन ये प्यार व्यार तो सिर्फ मैंने इसलिए। क्या? आई मीन कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही। तो चलो, क्यों तुम्हें ढूंढ रहा होगा और उसे कुछ बताना मत। इट्स अ सरप्राइज फॉर हिम, लेट्स गो। नो नो, वेट वेट एक मिनट। मैं उसके साथ ऐसे ही नहीं रह सकती। आई मीन आई लव हिम बट। ठीक है, तो विक्रम से कह देना कि तुम्हें एक बंगलो चाहिए और हाँ, साथ में एक 5 करोड़ की FD भी। यार राइट, सब करवा देगा तुम्हारे लिए वो। यार राइट, गुड आइडिया। तुमने अगर अगली बार मुझे छोड़ने की बात करी ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू देख लेना। वेरी सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दे। वेरी सॉरी। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अगर मैं इसको सच्चा प्यार चूज करने हो गया था तो अपनी बीबी को छोड़ देता। इसका सच्चा प्यार कौन है वो रियलाइज करवाना जरूरी था। और हाँ, तुम्हारी आंखों में भी तुम्हारे पति की पट्टी चढ़ी हुई है, वो भी मैं जल्द रियलाइज करवा दूंगा। हाँ जी, अगर रियांश नहीं होता तो तेरी और विक्रम की लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती। विक्रम कभी तुझे छोड़ के नहीं जाता और ये सब कभी होता ही नहीं। आई एम सॉरी। लॉयल दोस्त है पूजा, मैंने थोड़ा फायदा उठा ली। इट्स ओके रियांश, सब कुछ ठीक भी तो तुमने ही किया ना। थैंक यू। से हैप्पी नाउ। अरे आराधना, I'm so sorry. Che? मॉम को हेलो बोले बगैर ही जा रहे हो, और वैसे भी जिससे मिलने जा रहे हो वो तो आज भी घर पर नहीं है। तुमने मुझसे उस दिन कहा था कि यू ट्रस्ट हर, तुम्हें उस पर विश्वास है, लेकिन मैं विश्वास कैसे करूं? मैं तुम्हारी माँ हूँ जय, आई लव यू सो मच, मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। वैसे तुम्हें पता है मिस्टर वोरा कौन है? ही इज अ डिवोर्स लॉयर। आराधना आज उनसे बात कर रही थी। आई नो तू तो मुझ पर यकीन करेगा नहीं, तुझे क्या लगता है
आराधना से मेरी पर्सनल दुश्मनी है. ओके फाइन, लेट्स कॉल हिम, है ना? सच सब पता चल जाएगा. उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ. और वैसे भी आराधना मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती, क्योंकि सही महीने में हमारी शादी हुई ही नहीं है. जय, आज वो फिर से ऑफिस में नहीं है, होटल में गई है, मीटिंग सेट कर रही है. ये सब मुझे उसके ऑफिस से ही पता चला है. एक मुझे बात बता, ऐसा क्या काम है जो सिर्फ होटल में होता है? जय, रोज ऐसे नए नए होटल्स में जाना. अरे लोग भी जॉब करते हैं, हमने बिजनेस संभाला है, लेकिन वो ऑफिस छोड़ के हर जगह होती है. अब उसका अफेयर है नहीं है, इस बारे में बात करने वाली मैं कोई भी नहीं हूँ. अच्छा मुझे एक बात बता, तूने उससे शादी क्यों की? बिकॉज यू लव हर. और उस लड़की ने तुझसे शादी क्यों की? बिकॉज तेरे पास नाम था, पैसा था, बिजनेस था, और वो रियांश जैसा पागलपन नहीं है. इसलिए ये लड़कियां होती ऐसी है जय, एक अच्छे भले भोले रईस लड़के को फंसाती है और अपने बैड बॉय वाले इमेज वाले बॉयफ्रेंड को हमेशा अपने बगल में रखती है. माँ, enough is enough. तो मुझ पे ही गुस्सा हो रहा है, मुझे ही बोल सकता है ना, उसे तो कुछ नहीं बोलेगा. तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुद होटल में जाकर देखते हैं. चल लेट्स गो. क्या हुआ आराधना, क्या सोच रही हो? यही कि मैं हमारे इस बंधन के साथ गलत तो नहीं कर रही? नहीं आराधना, तुमने तो अपना हर फर्ज निभाया. इनफैक्ट जो तुम इस फैमिली के लिए कर रही हो, इतना तो कोई भी नहीं करता. थैंक यू. इनफैक्ट रियांश ने भी आज जो किया, उसकी वजह से हमारा रिश्ता बच गया. रियांश सही था, वो वीडियो भी उसने सर्कुलेट नहीं किया था. उसने कहा था कि भरोसा करूं उस पे. मैंने उसे गलत समझा और उसने फिर भी चेहर मुझे. अब क्या सोचने लगी? आराधना, मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ, रियली. वो हम एनआरआईज होते हैं ना, वो सास बहू की सीरियल देखते हैं और हमें लगता है कि हम बहू को कुछ भी बोल सकते हैं. मुझे लगा तुम भी. इट्स ओके, आप माँ हैं, आपको अपने बेटे की फिक्र थी. जीत गई ना तुम, एक बार फिर से जीत गई. जी, रियांश ने मेरे साथ हाथ मिलाया और वो पलट गया, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया. ठीक है, रियांश ने भी तुम्हें सेलेक्ट किया और जय ने भी. ऐसा कुछ नहीं है, आप साइड्स बांट रही हैं. मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब जय तुमसे पहली बार मिला था, उसने तुम्हें कहा होगा ना कि वो शराब को हाथ भी नहीं लगा था. मुझे तो चाय बहुत पसंद है, ना कि वो कड़वी कॉफी या शराब. कुछ साल पहले आराधना, जय को शराब की ऐसी लत लग गई थी कि उस चक्कर में उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसकी लाइफ, उसका करियर, सब कुछ. क्या आराधना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इस रिश्ते की वजह से मेरा बेटा फिर से पिस जाए और फिर से शराब पीने लग जाए. मैं ये नहीं सहन कर पाऊंगी आराधना. पता है लंदन में जय कितना ड्रिवन था अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, फिर यहां आकर देहरादून में, और अब वो सब कुछ हार गया. और सबसे बड़ी बात जो उसको चुभती है कि वो रियांश से हार गया, वो रियांश से तुम्हें भी. वो मुझे नहीं हारा है और रियांश मुझे नहीं जीता. मैं इंसान हूं, मैं कोई चीज नहीं हूं, कोई जीतने हारने की कोई. हमारे इमोशंस कभी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, पर मैं वादा करती हूँ आपसे, जय अब शराब का सहारा नहीं लेगा, उसके साथ मैं हूँ, मैं उसका सहारा हूँ. थैंक यू, मैं बस यही सुनना चाहती थी.
मेरे लिए? वैसे आज इतनी मेहरबानी कैसे? आजकल तुम होते ही नहीं जय। अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो ना। जय, तुम दोबारा शराब को हाथ मत लगाना। मुझे कैसे पता चला वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस तुम दोबारा शराब मत पीना। और जहां तक हमारे रिश्ते की बात है, मैंने वादा किया था तो मैं उसे निभाऊंगी जय। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना जय। मैं नहीं चाहती तुम वापस से शराब पीना शुरू कर दो और अपनी लाइफ स्पॉइल कर दो। जय, यू शुड फोकस ऑन योर केस, अपने काम पे, अपने करियर पे फोकस करो और लाइफ जैसी थी वापस वैसी हो जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। अंकल आंटी के बारे में सोचो, इस एज में अगर उन्हें इतना स्ट्रेस मिलेगा तो उनके लिए ठीक नहीं है ना। You're right, Aradhana. I'm sorry. आज से बस। वरुण, वरुण बाथरूम से निकलो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मम्मा, मम्मा ऐसे बोलो ना, ये रोज ऐसा करता है। वरुण। हाँ, ठीक है। तो आप आते आते धनिया भी लेके आना। हाँ, जल्दी आना हर्ष। हाँ, बाय। राधी, ये तुम्हारा टिफिन, और अभी ब्रेकफास्ट ले लो। यहाँ मैं जूस देती हूँ। मम्मा, आप पहले उन्हें दे दीजिए। नहीं नहीं ठीक है, मुझे कौन सा ऑफिस जाना है ना। नीता जी, मैं तो भूल ही गई थी, अब आपकी बहू की पहली लोरी है ना, तो हम अच्छे से मनाते हैं। आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।